सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज की स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं राज डेयरी फार्म से, महाराष्ट्र से भाई साहब आए हुए हैं अपने पास में। सामने आप देख पा रहे हैं 6 भैंस और 4 गाय हैं अपने पास में, जिसमें हरियाणा भी है और साहिवाल नस्ल की गायें भी है। ये जा रही है अहमदनगर में। और आज तक आपने जो भी वीडियो देखी है जो गायें की राज डेयरी फार्म से, तो ये भाई साहब खड़े हैं, इनके फार्म पे सभी जो गायें गई है आज तक, जितनी भी जो गायें गई है राज डेयरी फार्म से बिक के। तो ये भाई साहब हैं महाराष्ट्र में मोसी से ना, मोसी। हाँ, तो जितने भी विजय, एक विजय अलर्ट नाम है इनका। और किसी भी भाई साहब को जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं अपने पास में, गायें लेनी हो किसी भाई को, भैंस लेनी हो, देखो जी अपना विश्वास का काम है, ऐसी कोई नहीं भी फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं है भाई। किसी भी भाई साहब को एक दो भैंस लेनी हो, एक दो गाय लेनी हो, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है राज डेयरी फार्म के, वो नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो आज भाई साहब 3 साल के बाद अपने फार्म पे आए हैं, 3 साल से इनके पास अपनी गायें भैंस कटड़ी जारी है, तो भाई साहब से आपकी बात करवाएंगे। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो नाम बताएं सर अपना। विजय अल्लाट। विजय अल्लाट मुर्सी से। मोसी। मोसी। मोसी से। तो कैसा लगा भाई साहब आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। आज तक आपने वीडियो में देखा है, पहली बार आप आए हो? पहली बार आए। अच्छा अच्छा 3 साल से ऑनलाइन ही खरीदता था। अच्छा अच्छा, जितना भी वीडियो देखा आपने राज डेयरी फार्म का, जो सभी गायें गई है आज तक पूना में, वो इन्हीं के फार्म पे गई है। वहां से किसान लोग जाते हैं, किसी की एक गाय होती है, किसी की दो गायें होती है, क्योंकि वहाँ के जो किसान आदमी है वो हम पे विश्वास नहीं करेंगे, वो इन पे विश्वास करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने को देखा है। तो यही आपको जो विश्वास दे सकते हैं। तो क्या कहना चाहोगे अपने फार्म के बारे में, आपकी जो बात है उसमें बताओ। इधर बहुत अच्छा है, झूठा काम नहीं, किसको फंसाता नहीं है। अच्छा अच्छा, मिलता है वही उधर मिलता है। हाँ हाँ, गारंटी के साथ मिलता है। अच्छा अच्छा, अगर हम गायें, देखो जी हम भी इंसान है, एक आधी गायें गलत निकल जाती है, उसकी भरपाई पूरी करने की कोशिश करते हैं। करता है ना, वो भी आपने देखा भी होगा। मैंने खुद किया है वो। हाँ हाँ, तो देखो जी गाय है आखिर ये। तो प्रमोद भाई से और भी पूछेंगे, थोड़ा बताएं प्रमोद भाई आप भी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो क्या, जैसे अपनी गाय जाती है 3-4 साल से पूना में। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं उधर के लोगों को नंबर देता हूँ आज तक। हाँ हाँ, कोई एक गाय लेने वाला है, कोई दो गाय लेने वाला है, कम से कम 250-300 गाय इनके फार्म पे गई है। हाँ हाँ, ये आदमी 3 साल के बाद पहली बार मेरे पास आए। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे वीडियो देखने वाले भाइयों को ये बोलता हूँ, ये वो आदमी है जिसकी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ हाँ, इसका ही मैं नंबर देता हूँ, मोसी में है इनकी जगह, पूना के पास। अच्छा, विजय अल्लाट इनका नाम है। तो मोसी में कितना एरिया है वहाँ तक आप? जैसे 200-300 किलोमीटर का एरिया जितना भी है ना। हाँ हाँ, इसके फार्म से ही होके गाय जाती है। अच्छा अच्छा, हमारा इधर जैसे विश्वास बना हुआ है इनपे। हाँ हाँ, हम पैसे थोड़े बहुत बाकी रह जाते हैं वो उधर दे के गाय लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, हम इनके फार्म पे गाय उतारते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है हमारा किसी से दवेश नहीं है, लेकिन 3 साल से इनके साथ रिलेशन है, इनका रिस्पांस अच्छा मिला हमने। अच्छा अच्छा, जो भी गाड़ी कहीं से लेके जाना हो, गाय के लिए अच्छी जगह है। हाँ हाँ, एक दो दिन जो भाई लेके नहीं जाते, इनके जगह फार्म पे रहने की अच्छी सुविधा है, खाने पीने के लिए। अच्छा, और अच्छा, बाद में ये खुद जिम्मेवारी के साथ में अगले के घर पे पहुंचाते हैं। अच्छा, हर गाड़ी में 2-3 गाय इनकी खुद की भी आती है। अच्छा, इनकी खुद की भी, इनके फार्म पे गाय उतारते हैं, ये नहीं है कि हम सीधे इनके फार्म पे उतारते। अच्छा अच्छा, हमारा और इसका संबंध यही है, हर गाय में 2-3 गाय इनकी खुद की आती है, और 5-7 गाय कोई आसपास वालों की आती है, जैसे किसी की। तो एक किसी गाय उस लोड में सबसे ज्यादा होती है, तब इनके लोड इनके फार्म पे गाय उतारते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अपना जो प्रॉपर एड्रेस बताएं भाई साहब, जो मोसी में है, पूना में मोसी। हाँ, तो मोसी आजू बाजू कोई? हाँ, मोसी पूछे तो सब सबको मालूम। अच्छा अच्छा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे किसी भाई साहब को। कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए अपना। कॉन्टेक्ट नंबर 9981। अच्छा अच्छा, 35। हाँ, 74-85। ठीक है, ये हो गया, मैं नीचे ऐड कर दूँ स्क्रीन पे, आप देख भी पा रहे हैं जितने भाई, इनका नंबर है विजय जी का। और गाय भी दिखा, अभी क्या गाय लेने आए हैं क्या? गाय लेने के लिए आए हैं ये। अच्छा अच्छा, घूमते आए हैं, जैसे घूमने का पर्पज ज्यादा था इनका। हाँ हाँ, अभी 5-7 गाय लेके भी जाएंगे। अच्छा अच्छा, गाय तो जाती रहती है, इनको थोड़ा सा फील्ड में घुमा के दिखाएंगे इनको। अच्छा अच्छा, ये जो गाय है इस टाइप की गाय लेना, ये गाय जाएगी भाई अहमदनगर जाएगी, ये गाड़ी शाम को लोड करेंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपने फार्म पे आए आप। ठीक है जी, नमस्कार। तो गायें भी दिखा देते हैं आपको एक बार, इस टाइप की गायें किसी भाई साहब को, जैसे ये साहिवाल नस्ल की गायें हैं, और ये हरियाणा, प्योर हरियाणा देसी नस्ल की गायें हैं, और आगे साहिवाल नस्ल की गायें भी आप देख पा रहे हैं। इसी तरह की गायें किसी भी भाई साहब को लेनी हो, पूना के आसपास जितना भी एरिया हो,
तो आप ले सकते हैं, क्योंकि एक गाय नहीं पहुंचा सकते, 10 गाय जाएगी तभी ट्रांसपोर्ट सभी गायों पे पड़ जाएगा। और किसी भाई साहब को एक लेनी हो तो जितना एक पे पड़ेगा वो ही किराया देना पड़ेगा। तो और कुछ कहना चाहोगे प्रमोद भाई? बस ये कहना चाहेंगे भाई साहब, जैसे आज तक मेरी गाय परमानेंट इनके फार्म पे ही जा रही थी। हाँ हाँ, ये आदमी किसी ने नहीं देखा हो तो इनका नंबर भी दिया, नंबर बोल भी दिया इन्होंने, स्क्रीन पे भी इनका नंबर दे देंगे। चलो, कोई भी एक दो गाय लेने वाला है इनसे संपर्क कर सकता है उधर। परमानेंट महीने में 2 या 3 बार अपनी गाय जाती है। अच्छा अच्छा, एक दो गाय के लिए कोई हरियाणा आ नहीं सकता। तभी तो देखो 10 गाय फार्म पे परमानेंट गाय रहती है, कभी भी किसी टाइम इनका नंबर दे दिया, इनसे फोन करो, गाय मिल जाएगी 10 दिन के बाद। चलो ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्कार। तो आपको मैं राज डेयरी फार्म दिखा देता हूँ एक बार। हरियाणा हिसार में है, मिंगनी खेड़ा गांव, हिसार से 10 किलोमीटर पे गांव जैसे गांव है अपना। और जैसे अपने पास जो कटड़ियाँ भी हैं, किसी भाई साहब को भैंस लेनी हो, कटड़ियाँ लेनी हो, गायें लेनी हो, कौन से भी एरिया में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखें जी, तो ये भाई साहब आए थे अपने पास में महाराष्ट्र पूना के पास मौसी से। कैसी लगी छोटी सी वीडियो लेके आए? जो पीछे भी अपने पास में गाय साहीवाल आप देख पा रहे हैं, और ये देखिए जी। तो ठीक है जी, सभी भाइयों को राम राम, सभी को नमस्कार।